ये बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, ये बस ऐसे बैठा रहे जमीन पे, बैठ जाते तेरे से ऊपर करके जमीन पे, बैठ बैठ बताता हूँ तेरे को, उस तरफ थोड़ा सा बैठ। और ये देखे कि कुछ हाथ में ले मोबाइल ऐसे, तेरे को यहाँ नज़र आ रहा है देख स्क्रीन पे, देख नज़र आ रहा है तो थोड़ा इधर हो जा, तो थोड़ा हाथ ये पीछे कर लेगा ना तेरे को स्क्रीन नज़र आएगी, इधर आ जाते ऐसे करके रखा, हाँ ऐसे करके दोनों चाहिए हमको, देख दिशा ये भाई बोल दिशा फिर आया दोबारा, कितनी रियायत की ईमान से बोलना। अब ये मुझे मजबूर कर रहे हैं ना, मैं इनके साथ जबरदस्ती करूँ बार बार जल्दी बार। अब तू मेरे को बेटा दिशा मजबूर कर रहा है कि मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूँ, क्योंकि मैंने तेरे को कल समझा दिया कि ये लड़की तेरी बहन है और तूने जो कुछ भी किया तेरे से खता हो गई तो माफी मांगेगा, और तूने जो जो शरारतें किए ना लड़की के साथ सब मुझे पता है, तेरी शरारतें बोलूँ सबके सामने, बोल तेरी शरारतें सबके सामने खोलूं। हाथ डाल, हाथ डाल, मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, अब मम्मी नहीं, अब मैं आंखें खोल, मैंने कहा अब मम्मी नहीं, लड़की आंखें खोल मुस्कान, इधर आंखें खोल मुस्कान, पागल नहीं बन, आंखें खोल मैंने कहा, आंखें खोल मुस्कान, आंखें खोल, अरे तू क्या चाहती है उसको अपने साथ रहना चाहती है, आंखें खोल मैंने कहा, सामने देख, मैंने कहा आंखें खोल, मतलब मैं बहुत अजियत तुम्हें बता रहा हूँ मुस्कान, बंद कर दरवाजा यार मारो, बहुत बहुत अजियत तुम्हें मुस्कान देख, मैंने बहुत शराबत से बात की थी उसके साथ, मुस्कान आंखें खोल, बचा मत उसको, हिम्मत रखो तुम, आंखें खोल मैं छोड़ रहा हूं, आंखें इधर चाहिए मुझे, नहीं आंखें इधर, तू मेरे को देखो ना, बहुत तकलीफ दूंगा मैं, मेरे को देख मुस्कान, मेरे को देख बेटा, देख मैं तेरा देखो, हाथ में मेरी बात से, अच्छा आंखें इधर, आंखें का इधर तकलीफ हो रही है तो मैं छोड़ देता हूँ, आंखें इधर, आंखें इधर, आंखें इधर, आंखें इधर, आंखें इधर, मुझे मुस्कान से बात नहीं करनी, क्या बोला मैंने, आंखें इधर, मुझे मुस्कान से बात नहीं करनी, आंखें इधर, मेरे को मजबूर नहीं कर लड़की मारने पीटने पर, मैंने कहा तेरे को एक हाथ लगाया, कोई बोला मैंने तेरे कुछ, बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से, हाँ रिजवान मेरे को बता क्या कर, तूने क्या बोला था मेरी छोटू वाले, शर्म आनी चाहिए तेरे को, कितना ख्याल रखा तेरा मैंने कल, अब बोलता छोड़ दूंगा, जब थोड़ी सी तकलीफ थी तो बोलता छोड़ दूंगा, हाँ आंखें इधर कर मैंने कहा, अब तकलीफ हो रही तो बोलता छोड़ दूंगा, मैं कैसे तेरे पे एतबार करूं ये बता, आंखें इधर कर कैसे एतबार करूं तेरे पे, कल कितना रियायत की तेरे साथ, आएगा कहां से, जब कब्रिस्तान में कोई जाता है तो आता है वापस, अबे मैं भेजूंगा तो तू अल्लाह के हुक्म से जाएगा, लेकिन मेरे को सवाल पूछना है तेरे से, मेरे साथ नाजायज करने की वजह क्या, क्या अजियत दी मैंने वो कल तेरे को जो मुझे आज ये मजबूर कर रहा है हाथ पकड़ने पर, क्या किया तेरे साथ कल मैंने, फिर क्यों नहीं छोड़ा इस लड़की को, वजह बता दे बस, बात खत्म, आंखें इधर चाहिए मैंने बोला, आंखें खुला के गुस्से से दुश्मन की तरह बात करेगा मेरे से तो ठीक है, वरना ये हाथ तोड़ने में मिनट नहीं लगाऊंगा, और ये नहीं समझना कि हाथ टूटेगा लड़की का, उसका हमारी बेटी है, उसको अजियत दी जैसे, आंखें खोल मैंने कहा, आंखें खोल, तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, हाथ खोल, आंखें खोल, बड़ी बड़ी आंखें करो गुस्से से, देखो गुस्से से दुश्मन की तरह पेन ना कोई रोज, हम चाहते थे, हमने कल इरादा किया कि हम आज के बाद किसी को मरहूम दें, किसी जिन को, किसी को मारपीट नहीं करेंगे, शराब से काम करेंगे, मोहब्बत से काम करेंगे, मोहब्बत से निकल जाएगा उसको मिर्च का प्याला नहीं खिलाएंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तू एक हिंदू होता तो मेरे को समझ में आती कि हिंदू चक्कर लोग खबीज है, तो हिंदू होता मरा हुआ जिसकी चिता जल चुकी होती मेरे को समझ में आता वो खबीज है, और मैंने तेरे चुपे फिर पानी तुम लोग इधर उधर रखते हो ना नादी अली का इसका उसका,
क्या करते क्या हो तुम लोग, मेरे को बताओ सब। क्या नहीं डलवा दे रही है कोई भी पानी, तुम लोग पता नहीं क्या मलंग लोग हो क्या तुम लोग यार। नादेली को कौन बुरा बोलता है, कौन बुरा बोलता है नादेली को? लेकिन पढ़ने वाले ने तलफ़ुज़ सही था नहीं था, सही पढ़ा नहीं पढ़ा, उसमें दम कर दिया तुमने। पढ़ने वाले का पता है किस तरह पढ़ा उसने नादेली को, नादेली के छलांग का पता है किसी को? बस जिसका जो दिल जाए पढ़ता है, खूब मारता है, जान छुड़ाता है अपनी। जहां जिसके जो दिल चाहे वो बोलता है ये मंजिल पढ़ ले, कोई बोलता है ये पढ़ ले, बोल देता है वो कर ले, जिसका जो दिल चाहता है जैसा तुम लोग कर लेते हो और अपनी जिंदगी को आसाम में डालते हो तुम लोग। यासीन तू बता कल इसकी था कितनी रियायत की थी कसम का? इसने तो केस देखा है ना इसका, इस कुत्ते ने भी देखा है इसका केस, अंधेला का केस भी इसने तुम लोगों ने भी देखा है। तू नहीं था अंधेला में, ये था तू था पहले दिन मारपीट की, दूसरे दिन दो दिन रियायत की, दो में हाथियों में। बंद करना यार तेरे को क्या बीमारी है यार, जरूरी है सारी दुनिया को कुत्तों को जवाब देना यार, आग लगा देना इस मोबाइल को थोड़ी देर के लिए। तूने मेरा दिल जलाया निशान, हट। मुसलमानों के ऐसा काम किया तूने, मेरी जान जलाई है तूने। मैं कल सब मैंने गुलाम को बोला था कि यार आज के बाद कोशिश करूंगा किसी को नहीं मारना है, वो तूने ये रास्ता मैंने वो क्यों दिखाया आज, क्यों मजबूर किया कि मैं तेरे को मारूं? बोल जवाब दे मेरे को, वरना और मारूंगा फिर। मुझे सारा जवाब चाहिए साफ सुथरा, साफ सुथरा जवाब। यार आदमी फंसने के बाद क्यों बोलता है माफ कर दो? तेरे लिए कल दुआ नहीं की अल्लाह से मांगा ना, तू मौजूद नहीं था, तेरे साथ नहीं किया बुरा किया, फिर ये मेरे लिए कोई आज क्यों बुलाना पड़ा इसको? तू गया क्यों नहीं कल वादे के मुताबिक, छोड़ा क्यों नहीं मेरी बेटी को? अब फंस गया तो छोड़ दूंगा, कल भी बोला था 100,000 दफा बोलेगा, 100,000 दफा उतारूंगा मैं। हल्का मत ले मेरे को, कसम उठाना कोई पढ़ाई की है मैंने इसको बुलाने के लिए? कुछ बोला है मैंने मुंह से अपने? खुदा की कसम ये अल्लाह का करम है मुझ पे, एक मिनट लगी एक मिनट, ना कोई दुरूद शरीफ पढ़वाया, ना कोई बात की, कुछ भी नहीं किया, खाली बिठाया है, सिर्फ बोला है कि मेरे को देख ले। और तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करके तेरे को मैंने 17 वली अल्लाह के दिखाए, और खुदा की कसम खा के कहता हूं अभी यहां मैं मौजूद है 17 के 17, चाहो तो इससे पूछ लो, यहां 30 जिन्नात भी मौजूद है, 17 अल्लाह की वली मेरे साथ आए, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। मुशावल कितने अल्लाह का वली देख रहा है तू? जिन्नात कितने यहां पे? मैं झूठ बोल रहा है या तू झूठ बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। खुदा की कसम दिशा तेरे साथ बहुत रियायत की, अल्लाह जानता है पूरे दिल से तेरे को ये साले जवाब दिया था, ना मिर्ची पिलाई ना मारा ना पीटा, उल्टा तेरे पे एहसान किए, ये साले जवाब किया, तुझे समझाया कि भाई तेरे से गलती हो गई, ये लड़की तेरी शरीयत के मुताबिक बहन है, तो बहन के साथ तूने गलत काम कर लिया, मैं बोलता हूँ अल्लाह माफ करने वाला है। क्या बोला मैंने? अल्लाह लेकिन बंदा भी तो चाहे ना माफी, बंदे की भी तो तलब हो ना माफी मांगने की, कि बंदा तो तेरी तरह शरारती है कि मरने के बाद भी सुकून नहीं है तेरी रूह, तू मरने के बाद भी अभी भी तू कोशिश कर रहा है कि कोई मिल जाए और मैं मुंह काला करूं। हाँ क्या था क्या ये बता, क्यों जलील करवाया तूने? गया तू नहीं, माफी तो अपनी जगह पर है, गया क्यों नहीं बता? हमारे काम में कौन सी कमी थी, हमारे काम में कमी बता क्या?
क्या गलत काम किया तेरे साथ, तेरे को क्या अजियत दी, तेरे को कब्रिस्तान जाने में ईसा नगरी कब्रिस्तान का जो बोला हमारे वाले तेरे को लेके जा रहे थे, तो सब इस चीज़ों में बता के क्या चीज़ की कमी थी, क्या गलती की मेरे थे, क्या ऐसा काम किया जो तेरे को बुरा लगा और तू गया है, मेरी खता बता दे। ऊंचा बोल, मेरी कोई खता नहीं है, फिर आज मेरे को यहाँ पर आके जलील क्यों करवाया, क्यों नहीं छोड़ा इस लड़की को? मैंने बोला ना, देख आदमी फंस जाता है तो गलती बोलता है, चोर भी बोलता है कि जब तक मैं पकड़ा नहीं गया मैं चोर नहीं हूँ, चोरी कर रहा हूँ मुसलसल, जब पकड़ा जाता है तो भाई मुझे माफ़ कर दो मैंने चोरी की है, अब चोरी नजर नहीं आ रही। हाँ, माफ जब करूँगा तो सच बताएगा, जो बच्चा जो मरा था, बच्चा जो मरा था इस लड़की के पेट में मुस्कान के, वो बच्चा अब तुझे सच बताना है, कल तो मैंने जोर नहीं लगाया, अब तेरे को जोर लगा के सच बताना है, वो लड़का तेरा था या गुलाम का था? सच है गुलाम का था, तो तूने क्यों इसको मारा, शरारत क्यों की, तूने क्यों नहीं मारा, जबकि लड़की के साथ 5 साल से तू शरारत कर रहा है, मुंह काला कर रहा है। अच्छा तू कर क्या रहा है लड़की के साथ, तेरा क्या लेना देना बता, चल एक नामहरम लड़की के साथ तेरा क्या वास्ता, तकलीफ देने की भी कोई वजह होती है? इस लड़की ने तेरी कौन सी माँ बहन तेरे घर में आके क्या बिगाड़ा इस गरीब ने, किसको अजियत दी है इसने? फिर तू होता कौन है किसी को अजियत देने वाला? असल बात बता, असल बात जो अच्छी लगी वो वाली बात बता मेरे को, अच्छी लगने में पकड़ा था ना, हाँ अच्छी नहीं लगी थी ये लड़की, तेरे को अच्छी नहीं लगी, मतलब एक और झूठ फैला, ये झूठ के वो गुलाम का बच्चा है, दूसरा झूठ ये कि मेरे को अच्छी लगी, चल तेरे को है, हाँ अच्छी लड़की तेरे को अच्छी नहीं लगी, चल मैं तेरी बात मान ली अच्छी नहीं लगी, तो तेरे को बुरी लगी है, क्या बुराई थी बेचारी में, इस बेचारी की बुराई बता दे, बुराई बता इस लड़की में क्या बुराई है बेचारी, जो अच्छी लगती थी, दौड़ते बोल दौड़ते, जो मुझे अच्छी लगती थी उसको ये जलील करती थी, कब? 6 साल पहले। 6 साल पहले तेरे को कौन अच्छी लगती थी भाई, तू तो मर गया था, तू तो मर गया था ना, तो जो मुझे पसंद आई थी, कब? जब जिंदा था, जब मरने के बाद तुझे पसंद आई, कौन सी ऐसी लड़की थी इसको इसने जलील किया, नाम बताओ उसको, निमरा, कौन है निमरा इसकी, तेरी कौन लगती है, इसकी कौन लगती है निमरा, तेरी कुछ नहीं है लेकिन निमरा इसकी कौन लगती है, इसकी दोस्ती कहाँ रहती थी निमरा, इसकी दोस्त जो तेरे को पसंद आई मरने के बाद, पैराडाइज कहाँ है भाई, पैराडाइज, पैराडाइज में तेरे को अच्छी लगी लड़की, वो भी मरने के बाद, फिर इसने क्या किया, उसको जलील किया, फिर क्या किया तूने, उस निमरा का बदला तूने इससे लिया, ठीक है, और कोई बात है तो बता दे, हाँ कौन से, याकूब शाह बाबा का मजार में मेरा सलाम देगा, मेरा नाम बोल की सोबत कलंदरी सलाम देगा, 3 बार दम करूँगा, मोला जी का नारा लूँगा, लगाऊंगा जो सर बच्चा बैठा हुआ उसमें भी किसी केस में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और बच्चा मेरा 7 दिन वेंटिलेटर पर रहा था, दूसरा बच्चा, हाँ दूसरे बच्चे के साथ क्या किया, दूसरे बच्चे को परेशान था, दूसरा बच्चा अजियत में था, पैदा होने के बाद वो तकलीफ में था, वो तेरा कोई याद नहीं, चलो ख़त्म हो गया, वो तभी मसला था मेडिकल था, चलो मान लो ठीक है, अब तू इसके साथ कोई तकलीफ है या इसके शोर को, अच्छा शोर के कारोबार की बंदिश वाला काम तो नहीं किया तू, अभी बता तो इसको तकलीफ दी, इसके काम को बंद क्यों किया, इसके काम में तूने बंदिश नहीं डाली है, इस शख्स को तूने शादी से लेके अब तो कोई अजियत नहीं दी है, इसको कोई तकलीफ नहीं, अच्छा मुस्कान के बच्चों को कोई तकलीफ दी, मुस्कान को, मुस्कान को तू एक छोटी सी गलती मुस्कान की, तू मुझसे माफी मांग रहा है, सोच मैं तेरा कोई अल्लाह खुदा हूँ,
तेरा कुछ लगता हूँ, तूने गलत काम किया तो माफ़ी मांगो सल्लाह से, जिसका मैं भी मोहताज हूँ। समझ में आती है बात? अब ये बता कि निमरा ने एक छोटी सी गलती की, निमरा को इसने खाली जलील किया है, इसकी तुमने इतनी बड़ी सज़ा की, 6 साल तक इसको तुमने पकड़ लिया, सिर्फ इतनी सी गलती कि वो तुझे पसंद थी उसको इसने जलील किया। निमरा को ये जानती है मुस्तफ़, उसको इसने जलील किया। कितनी बार जलील किया? 2-3 बार जलील किया। 2-3 बार जलील करने की इतनी बड़ी सज़ा कि तू 6 साल तक इसको अजियत देता। सही बात है, खुद सोच को अपना इंसाफ खुद कर ले कि तूने 6 साल इस बच्ची को तकलीफ दी तो तेरे को कितनी अजियत मुझे देनी चाहिए, क्योंकि तू उस वक्त ताकत वाला था तो तूने अजियत दे दी। समझ में आ रही है बात? उस वक्त तू ताकत वाला था, तूने अजियत दे दी, इस वक्त मैं तेरे से ताकत वाला हूँ अल्लाह के हुक्म से, तो अब मैं तेरे को अजियत दूँ ना? अब बनता है ना? क्यों अपने पे आई तो बुरा लगता है? बोल। चल मैं फिर तेरे लिए दुआ करूँ कि अल्लाह तुझे माफ करे। मैं, मेरा कोई हक नहीं है, जितना बहुत अल्लाह का करम है कि तू आ गया, मैंने तेरे से बात कर ली, बाकी माफ़ करने वाली बात अल्लाह की, गलत कह रहा हूँ तो बता दे, क्योंकि पूरे पूरी ईमानदारी से निकलना है, अल्लाह को हाजिर ना दिल जाके दलील नहीं करवाना, कल लड़की फिर मेरे जाके नहीं बोलेगी मेरे को तबीयत खराब होगी, ठीक है? और इस तरह की कमेशन जाएगा, अगर किसी मोहम्मद से तुझे नजर आ रहे हैं वो लेकर जाएंगे, ठीक है? अब पूरी ईमानदारी से मेरी आंखों में देख, 3 बार दम करूँगा, छोटे से मौला अली का नारा लगूंगा, कुछ छोड़ देगा। आगे बढ़ा बेड़ो, थोड़ी तकलीफ करके आ जाता है, बैठ जाता, नहीं बैठ जाता, रख देता अपने हाथ से, कहाँ तक किया, कहाँ इसका सर, बता, पूरी ताकत से निकल, छावा हटा तक किया, ताकत से निकल लेते इसको, तो वहाँ बैठ जाओ, ऊपर बैठ कर बताओ, पूरी ऐसे ऊपर रखेगा ना हाथ, तो तेरा गुस्सा नजर आएगा, ऐसे निकल मेरा बच्चा, पूरी ताकत से निकल लेते, ये अल्लाह की मेहरबानी है, देख लो, हिस्ट्री नहीं चाहिए, हिस्ट्री नहीं चाहिए, हिस्ट्री का मतलब है गड़बड़, थोड़ा सा डाउन कर, बस सही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अली अकबर अली हक 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 सुभान अल्लाह हिस्सा इसका नजर आना चाहिए, मैं इसको तभी तक तकलीफ नहीं देने जाता, मैं इसके पाँव पे भी नहीं खड़ा हो रहा हूँ, कुछ भी अजियत नहीं दे रहा हूँ, मैं बातें के मुताबिक कुछ भी नहीं किया, इसने मेरे को मजबूर किया तो मैंने एक थप्पड़ मारा है इसको, भाई ये भी नहीं लगता, ये हाथ बात मोड़ना पड़ा है लड़की को, इन टेम नहीं करते काबू, तो लड़की को तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करता अगर, जैसे ये सपोर्ट मांग रहा था, चाहिए सारी सपोर्ट भी इसको याद नहीं है, नहीं समझ में आ रही, अभी इसने सपोर्ट मांगी, गुलाम तेरी सपोर्ट मांगी थी, मैंने थप्पड़ मारा तो मांगी थी ना, ये तेरी बीवी को पता ही नहीं, और लगता तेरे को ये कि यार मेरी बीवी मुझसे सपोर्ट मांग रही है, मुझे बचाओ माँ, ये वो, ये समझने की चीज़ है,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान पूरी तकलीफे सबको दूर कर और मजदूर के साथ चला जाना, ईसा ने कहा था कोई शरारत नहीं करना। जैसा नंबर दिया था वो दो तीन महीने पहले जो छत से लड़का गिरा है ना उसके भाई ने दिया था। उसके भाई से बात करा देता हूँ। उसके साथ भी कोई असलादी मामले होंगे ऐसा नहीं था वो हकीकत आएगी कि निमरा को दो तीन दिन का घटना है पक्का आएगी बात। छोड़ दिया बेटा लड़की को, छोड़ दिया दिशान लड़की को, छोड़ दिया लड़की को, छोड़ दिया। अभी होश में आ जाएगी, बना देगी, आ जाओ अभी आ जाएगी। हाँ भाई दिशान छोड़ दिया लड़की को या अभी इसके साथ रहना है? दिशान लड़की के साथ रहना है, दिशान लड़की के साथ रहना है, छोड़ना है इसको? हाँ छोड़ना है, रहना है इसके साथ? क्या होगा खड़ी हो जाती, चलो इसको बंद कर, उससे बाकी बात करते हैं।